सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर। अब सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, पहले समझो इस बात को। जैसे मान लो किसी भी कॉइल में फ्लक्स का चेंज हो रहा है, जैसे कि मैं क्या बोलता हूँ, किसी भी एक रेजिस्टेंस को बैटरी के साथ जोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस को बैटरी के साथ जोड़ दिया, तो मैं क्या बोलता हूँ, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। मैं क्या बोलता हूँ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V बराबर I R, R एक कांस्टेंट होता है। उसी प्रकार उसी तरह से अगर मैं किसी लूप से फ्लक्स की बात कर रहा हूँ, करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो उस लूप से, खुद के लूप से, खुद के मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से खुद में मैग्नेटिक फील्ड का चेंज आया। भाई एक क्लोज लूप में अगर मैं करंट बढ़ाऊं तो उस करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उस लूप का, जो लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो मैग्नेटिक बढ़ेगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता हुआ वो खुद लूप के लिंक करेगा, खुद लूप से लिंक करेगा। भाई मेरा एक लूप, मान लो ये लूप है, इसमें मैं करंट बढ़ा रहा हूँ, तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो मेरे खुद से तो लिंक करेगा ना, जिस वजह से मेरे खुद से मैग्नेटिक फील्ड का चेंज आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आएगा। तो मैं क्या बोलूँ, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा फ्लक्स, तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो जैसे कि हर जगह प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के बाद कॉन्स्टेंट टर्म आता है, उसी तरह से सेम उसी तरह से यहाँ भी जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाता हूँ तो एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं एल, जिसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इसका नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। जैसे कि वहां आर आता था Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो Q बराबर सी वी, वहां C आता था कैपेसिटर में, यहाँ रेजिस्टेंस वाले में आर आता था, और यहाँ पे आता है L, L को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। अब क्या बला है, ये बहुत अच्छा चीज है, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा फ्लक्स फ्लो करेगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक टर्म आ गया एल। अब दोनों साइड कर दो डिफरेंशिएट, जैसे तुम डिफरेंशिएट करो तो बताओ क्या आ जाएगा, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब तुमने बोला ये माइनस क्यों लगाया, अरे लेंज लॉ कि चेंज इन फ्लक्स अपोज करेगा इंड्यूस ईएमएफ का, या इंड्यूस करंट का, वो चेंजिंग फ्लक्स का अपोज हो रहा है, लेंज लॉ ने बताया था ना, इसलिए जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो उल्टी डायरेक्शन में आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, उसके लिए हमने एक माइनस साइन लगा दिया है। तो ये डी फाइव डी टी क्या होता है, डी फाइव डी टी होता है ई, डी फाइव डी टी क्या होता है ई होता है, तो इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। जैसे कि वी बराबर आई आर में वोल्टेज होता था आई आर, क्यू बराबर सी वी में वोल्टेज होता था क्यू बाई सी, उसी तरह से इंडक्टर में अगर करंट का चेंज होगा तो उसके क्रॉस ईएमएफ आ जाएगा, करंट के चेंज होने की वजह से इंडक्टर के क्रॉस क्या आ जाएगा, इंडक्टर के एक और ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, डेट ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, डेट इंड्यूस ईएमएफ, डेट इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर विल बी एल डी आई बाई डी टी। यही था यहाँ पे L क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है। तो अब जब भी इंडक्टर के क्रॉस, इंडक्टर भी कुछ वोल्टेज खाएगा, इंडक्टर भी कुछ वोल्टेज खाएगा, जैसे मान लो बैटरी वोल्टेज 10 वोल्ट दे रहा है तो उसका कुछ हिस्सा इंडक्टर के पास भी होगा, तो वो कितना होगा, तो वो यहाँ से तुम निकाल सकते हो एल डी आई बाई डी टी से, जहाँ डी आई बाई डी टी है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के बढ़ने या करंट के घटने के रेट को ही यहाँ पे हम बोल रहे हैं एल डी आई बाई डी टी। अब जैसे कि मान लो ये सवाल है, फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस एल, मुझे बोला कि यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस एल बताओ कितना होगा, बहुत सिंपल सी बात है। अब मुझे एक सोलेनोइडल लूप है, इसमें मुझे सेल्फ इंडक्टेंस बताना है, क्या करें, तो सबसे पहले क्या करो, इसमें करंट आई फ्लो करवा दो, इसमें करंट आई फ्लो करवा दो। अब जैसे मैंने करंट आई फ्लो करवाया, क्या बताओ, करंट आई फ्लो करने की वजह से क्या होगा इस इंडक्टेंस में, इस सोलेनोइड में करंट आई फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और बी की वैल्यू कितनी होती है, तो बी मेरा होता है म्यू नॉट एन आई, ये मेरा बी होता है। तो अगर बी इतना है तो पहले सबसे पहले एल की वैल्यू हम कैसे निकालें, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हम एल की वैल्यू कैसे निकालें, तो एल की वैल्यू हम यहाँ से निकालें। देखो एल क्या होगा, एल होगा फाई अपॉन आई, और फाई कितना होगा, फाई होगा बी इंटू एरिया, बी इंटू एरिया। मैंने क्या बोला कि भाई आई करंट अगर फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, म्यू नॉट एन आई होगा, इसका स्मॉल रेडियस आर मान लो, ठीक है, और लेंथ तो एल मैंने दे ही दी है, तो मैंने बोला कि यार फील्ड हो गया बी म्यू नॉट एन आई, सिंगल लूप से फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स थ्रू वन लूप हो गया बी इंटू एरिया फ्लक्स थ्रू वन लूप हो गया, वन लूप से जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा बी इंटू एरिया।
तो फ्लक्स थ्रू एन लूप बराबर कितने लूप है, टोटल लूप कितने है, तो भाई टोटल लूप एन, कैपिटल एन कर दो, फ्लक्स थ्रू कैपिटल एन लूप बराबर स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एल लेंथ है यानी कि एन इंटू एल हो गया टोटल नंबर ऑफ लूप, सिंगल लूप से फ्लक्स हो गया म्यू नॉट एन आई बी इंटू एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर, ये हो गया यानी कि फ्लक्स थ्रू एन लूप ये टोटल आ गया। अब हमें पता है कि भाई एल जो होता है वो था फाइव अपॉन आई, तो आई से डिवाइड की तो आई और आई कट गया, तो यहां से जो एल की वैल्यू आ गई फाइव अपॉन आई मेरा एल हो गया, एल की वैल्यू आ गई एन स्क्वायर म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड का, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई खास फॉर्मूला नहीं है। सर ने बोला कि एन टर्न्स का एक सर्कुलर वायर रेडियस मान लो कैपिटल आर है, मैंने बोला इसका सेल्फ इंडक्टेंस एल बताओ, वही करो करंट आई में फ्लो करवाओ, जैसे तुम करंट आई फ्लो करवाओगे तो सेंटर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई टू आर होता है ना, करंट का एनवायरमेंट कितना होता है म्यू नॉट आई बाई टू आर, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया तो फ्लक्स थ्रू वन लूप कितना होगा, फ्लक्स थ्रू एन लूप बता दो डायरेक्ट, एन इंटू म्यू नॉट आई बाई टू आर इंटू पाई आर स्क्वायर, इस आई को यहाँ डिवाइड कर दो यानी कि फाई एन बाई आई बराबर एल, यानी कि आ जाएगा एन म्यू नॉट आर से आर काटो पाई आर बाई टू, यही मेरा हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस एल, यही मेरा हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस एल। आई बात समझ में, आई बात समझ में, इसी को बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस एल। चलो अब अगली बात करते हैं। अब मुझे बोला एनर्जी स्टोरी इंडक्टर बताओ, अब इंडक्टर जैसे कि याद है तुम्हें कैपेसिटर भी क्या करता था भाई, कैपेसिटर में भी एनर्जी स्टोर होता था, सिमिलरली इंडक्टर में भी एनर्जी स्टोर होता है, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होता था इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्टर का जो भी एनर्जी है इट इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आओ अपने इंडक्टर की एनर्जी की बात करें, मान लो करंट आई फ्लो कर रहा है, मुझे बोला कि इसके अंदर स्टोर एनर्जी की बात करो, तो मुझे तो इंडक्टर में जो ईएमएफ होगा, जो इंडक्टर में जो पावर होता है, पावर क्या होता है, पावर जनरली क्या होता है, पावर होता है ई इंटू आई, और डी डब्ल्यू होता है ई आई इंटू डी टी, भाई पावर क्या हुआ डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, पावर क्या हुआ डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, क्रॉस की तो डी डब्ल्यू कितना हो गया ई आई डी टी, ई आई डी टी। इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या होता है एल डी आई बाई डी टी, यानी कि एल डी आई बाई डी टी इंटू आई इंटू डी 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 कट गया, यही मेरा हो गया डी डब्ल्यू, यानी कि अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो डी डब्ल्यू बोले तो यू बराबर एल आई डी डी आई, आई डी आई जीरो से लेके आई नॉट तक मान लो करंट बिल्डअप हो रहा है, तो आई डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा आई स्क्वायर बाई टू, तो यह जाएगा हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, यही इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर। अब मान लो मैंने बोला यार इसका लेंथ एल है, रेडियस मान लो आर है, मान लो इसका लेंथ एल है और रेडियस आर है, तो एक टर्म मैंने बोला तुम्हें कि यार एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बताओ, ये तो एनर्जी निकाल दिया इंडक्टर में, अगर इंडक्टर में करंट आई नॉट फ्लो कर रहा होगा तो उस समय इंडक्टर में इतनी एनर्जी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब तुमने बोला यार इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, मैं बता रहा हूँ कि मान लो इसका वॉल्यूम से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, मतलब मैं निकालना चाह रहा हूँ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो यार देखो हाफ एल आई नॉट स्क्वायर होगा, सॉरी हाफ एल आई नॉट स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है इसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, यहां तक सब कुछ सही है। अब यहां तक अगर सब कुछ सही है तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक काम करो, एक काम करो, मुझे ये बताओ कि एल क्या है, हाफ एल क्या है, एल वहां पे लिखा हुआ है डालो, हाफ एल हो गया मेरा एन स्क्वायर म्यू नॉट एल पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू एल, यही है। जैसे तुम याद करोगे तो पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, ये एल और एल कट जाएगा, तुम्हारे पास क्या बचेगा, और एक तो बी भी होगा, यहाँ पे बी यहाँ छूट पाएगा मेरा, बी भी होगा ना, फ्लक्स फाई इंटू एरिया होता है, तो बी बराबर म्यू नॉट एन आई, तो सॉरी बी क्यों होगा म्यू नॉट, सही है सब कुछ सही है, ये हो गया। अब देखो सब कुछ सही है, बी था म्यू नॉट एन आई था, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने क्या बोला हाफ एन ऊपर नीचे म्यू नॉट का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर म्यू नॉट, करंट की अगर बात की जाए तो यहां आई नॉट स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें, आई नॉट स्क्वायर ऊपर नीचे मैंने म्यू नॉट का मल्टीप्लाई कर दिया, तुम गौर से देखो हाफ म्यू नॉट एन आई क्या था,
ऊपर में आ गया बी स्क्वायर, नीचे में आ गया म्यू नॉट हाफ बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट, यह आ गया डेल्टा यू बाई डेल्टा वी की वैल्यू, यानी कि डेल्टा यू बाई डेल्टा वी की वैल्यू आ गई हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ये फॉर्मूला उसी की तरह जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैट में हाफ एप्साइलम नॉट ई स्क्वायर था, याद है हाफ एप्साइलम नॉट ई स्क्वायर जैसे वहां पे था, यहाँ पे हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, यानी कि ये है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, यानी कि इसके अंदर जो भी एनर्जी स्टोर्ड है वो इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। अब देखो ये सवाल दिया हुआ है, सॉल्विंग बेसिक सर्किट इसमें बोला हुआ है कि भाई कुछ सर्किट सॉल्व करो। अब सर्किट सॉल्व करना है, मुझे क्या लगाना है वी ए बी निकालना है, वही लगाते केवीएल। केवीएल लगाने से पहले पोलैरिटी लिख लो, बताओ ये क्या, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इंडक्टर में ये प्लस ये माइनस, प्लस ये माइनस कर लिया। अब एक बार पोलैरिटी लिख लिया तो आप लगा दो क्या, ओपन लूप केवीएल, याद है ओपन लूप केवीएल क्या होता है, वी ए प्लस से माइनस ड्रॉप होगा माइनस आई आर, आई आर बोले तो टू इंटू टू, फिर से प्लस से माइनस ड्रॉप माइनस टेन, माइनस प्लस से माइनस फिर से ड्रॉप माइनस एल, डीआईबीडीटी। अब डीआईबीडीटी प्लस टू है, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है एल डीआईबीडीटी, तो एल डीआईबीडीटी, फिर से आगे में आएगा प्लस से माइनस, माइनस ड्रॉप क्यू दिया हुआ है सी दिया हुआ है, यानी कि थ्री अपॉन टू बराबर VB, इसी को बोलते हैं ओपन लूप केवीएल। VA माइनस करते हुए VB तक पहुंच गए, इसी को बोलते हैं ओपन। अगर DI/DT की वैल्यू माइनस टू होती तो यहाँ पे अपन माइनस टू लेते, मतलब करंट डिक्रीज कर रहा होता तो वहां माइनस टू आ जाता, इस बात ध्यान रखना। इसको बोलते हैं ओपन लूप केवीएल। VA से स्टार्ट किया, कहां से प्लस से माइनस में गया ड्रॉप हुआ, फिर प्लस से माइनस में गया फिर से ड्रॉप हुआ, फिर से प्लस से माइनस गया फिर से ड्रॉप हुआ, करते करते आगे बढ़ गए। अब ये सवाल है करंट इज फ्लोइंग इनसाइड, करंट आई इज फ्लोइंग इनसाइड अ सोलेनोइड, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन इट। कितना एनर्जी सोलेनोइड के अंदर स्टोर होगा अगर उससे करंट फ्लो कर रहा है आई। तो सिंपल सी बात है, इसको देखने के लिए मैं ऊपर से देख रहा हूँ, मान लो मैं ऊपर देख रहा हूँ तो मुझे इससे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके निकलती हुई दिख रही होगी बहुत सारी। अब इसका रेडियस अपन मान लेते हैं कि इसका रेडियस है आर, मुझे इसके अंदर स्टोर एनर्जी बताना है, इसका रेडियस है आर, मुझे इसके अंदर स्टोर एनर्जी बताना है। अब इनसाइड अ सोलेनोइड फाइंड एनर्जी, अब मुझे पता है कि सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अप्रॉक्सिमेटली कॉन्स्टेंट होता है म्यू नॉट एनआई होता है, होता है ना। सोलेनोइड के अंदर एनर्जी कितना होता है म्यू नॉट एनआई होता है, अगर सोलेनोइड के अंदर एनर्जी म्यू नॉट एनआई है तो सीधा बात है एनर्जी डेंसिटी डेल्टा यू बाई डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा यू बाई डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा यू बाई डेल्टा वी का फॉर्मूला है हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, यानी कि स्टोर्ड एनर्जी विल बी हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना, सोलेनोइड सोलेनोइड की बात किया तो एल लेंथ का सोलेनोइड मान लो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन मान लो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम आ गया इसका रेडियस स्मॉल आर मान लो, तो कितना आ गया पाई स्मॉल आर स्क्वायर इनटू एल। और बी की वैल्यू सोलेनोइड के लिए कितनी होती है, बी की वैल्यू सोलेनोइड के लिए होती है म्यू नॉट एन आई, बस हो गया। डायरेक्ट डाल दो यहाँ, डायरेक्टली आ जाएगा कितना एनर्जी सोलेनोइड, एक पूरे सोलेनोइड के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है अगर उसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है। तो सारा बात सोलेनोइड और इसके ऊपर हो गया। अगले टर्न पे अपन एल आर सर्किट की बात करेंगे, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।